भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। बुलंदशहर में खेत में काम कर रही नाबालिग दलित किशोरी का अगवा कर गैंगरेप, पीड़िता ने गांव के ही तीन लोगों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दो आरोपियों की पुलिस कर रही है तलाश, दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है पुलिस। मामला अलग अलग समुदाय से जुड़ा होने के कारण हिंदू संगठन मिरोश, पीड़िता की बरामदगी के बाद 164 के बयानों में हुआ गैंगरेप का खुलासा। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के एक गाँव का मामला। घटना पूरा क्या मामला है, कितनी अरेस्टिंग है? ये पहासू में 27 तारीख में एक लड़की के अपहरण की घटना का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उसमें एक व्यक्ति को नामजद किया गया था, लेकिन लड़की ने भी 164 का बयान दिया है। इस 164 के बयान में उसने तीन लोगों का नाम दिया है। उसमें से जो तीन लोगों का नाम दिया है, एक आदमी गिरफ्तार हो चुका है, दो लोगों के गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है, उसमें जल्दी कार्रवाई करनी जाएगी। हिंदू संगठन कुछ लोग विरोध जता रहे हैं? नहीं, वो आए थे ज्ञापन देने आए थे, ज्ञापन उनका ले लिया गया, बाकी टीमें लगी हैं कार्रवाई करते। अभी तो जो जांच हुई है उसमें घटना सही पाई गई है, उसी हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध है। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।